देख सकते हो पहले जो स्टोरेज था उसका बराबर है पूरा, ठीक है। ये भी है थोड़ा छोटा सा। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पास है बहुत सारा आज स्ट्रॉबेरी, तो आज स्ट्रॉबेरी खाऊंगा। सभी लोगों का मानना रहता है स्ट्रॉबेरी उबा के खाना, तो मैं आज ये खरीद के नहीं लाया हूँ, इसको मैं उबाया हूँ उसके बाद खाऊँ दोस्तों। तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तो चलो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कितना सारा स्ट्रॉबेरी मेरे को मिला। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत हमारे इसके एक्सपेंड यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग सोच रहे हो ये डब्बा में क्या होगा, तो दोस्तों अगले साल एक स्ट्रॉबेरी पौधा लगाया था तो हमारे छत में, जो आप लोग इस वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देकर रखा हो। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर स्टॉम में बहुत सारा स्ट्रॉबेरी लगा दिया हूँ, एंड देख सकते हो स्ट्रॉबेरी बहुत ही बड़ा बड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा सा पूरा रेड कलर का हो गया। और चलो आज दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रॉबेरी पौधा है लेकिन उस पौधा से जो स्ट्रॉबेरी हो गया है लेकिन पक गया है उसको उठा के मतलब तोल के आज ये डब्बा भर रहा है या नहीं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। स्ट्रॉबेरी पौधा यहाँ पर नहीं होता है हमारी इस जगह पे, तो मैं बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर बहुत सारा पौधा जो है लगा चुका हूँ, एंड इसके बाद देख सकते हो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से हुआ है, एंड यहाँ पर एक छोटा सा मिल गया। तो चलो एक एक करके यहाँ पर उठा के हमारे डब्बा पर रखते हैं। और दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चलो देखते हैं कितना स्ट्रॉबेरी होता है। यहाँ पर और नहीं है, चलो अब दूसरी पौधा में जाते हैं। और पर एक पौधा था, यहाँ पर और एक है। दोस्तों मैं स्ट्रॉबेरी उठा रहा हूँ लेकिन आप लोग गिन के बताना कितना स्ट्रॉबेरी पेड़ है हमारा छत में। देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा हुआ है, पक चुका है ये नहीं पकाई, ये अच्छे से नहीं पकाया, देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट कलर का है, इसको रख देते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड में और एक है, ये शायद पक चुका है, इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर और एक पौधा है, यहाँ पर ये पका नहीं, यहाँ पर देख सकते हो ये जो कच्चा रहता है तो बिल्कुल ये व्हाइट कलर का रहता है, देख सकते हो। यहाँ पर एक है, इसको उठा ले, नहीं अभी तक पका नहीं है, व्हाइट कलर का है ये, इस साइड देख सकते हो। चलो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक पेड़ है, पौधा है, इसको देख सकते हो ये बिल्कुल पक चुका है, पच गुच्छी। दोस्तों चलो इसके बाद यहाँ पर एक है, देख सकते हो जो बहुत ही क्यूट सा दिखाई दे रहा है, उसको पहले इसको उठा लेता हूँ, उसके बाद देखो रख देते हैं यहाँ पर डब्बा में, डब्बा को यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद उठा लेते हैं जितना है यहाँ पे। इस पौधा में बहुत सारा स्ट्रॉबेरी है देख सकते हो, बहुत ही छोटा छोटा हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ इस पौधा में। इस साइड में भी है, और ये जब पक जाता है ना तो कुछ इस प्रकार सा होके ये ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए इसको सब उठाना ही पड़ेगा पौधा से अंदर। और एक है, ये नहीं पका, ये भी नहीं है, चलो इस साइड में है, ये भी नहीं पका है, देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर्स है, अंदर से फ्लावर्स आ रहा है बहुत सारा, यहाँ पर देखो नीच पे दो था, नहीं देखा था। और एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी है देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा, तो रख देते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, इसको तो लो उठा लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों ये जो स्ट्रॉबेरी है बहुत ही बड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा साइज का हुआ है, तो चलो देख सकते हो दो तीन पौधा से इतना सा स्ट्रॉबेरी मिल गया हमको। और यहाँ पर एक है लेकिन ये नहीं पका, उसको छोड़ देते हैं। इस पौधा में है, इसका जो पत्ता है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए स्ट्रॉबेरी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों नीचे देख सकते हो और एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रॉबेरी है जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और ये देख सकते हो पहले जो स्ट्रॉबेरी था उसका बराबर है पूरा, ठीक है। ये भी है थोड़ा छोटा सा, इसमें नहीं है, और इधर भी, इधर और देखिए छोटा सा, छोटा पौधा में छोटा स्ट्रॉबेरी, और इधर है ये थोड़ा सा व्हाइट कलर का है, इसको उठाते हैं। और यहाँ पर और एक छोटा सा है, छोटा को भी नहीं छोड़ेंगे,
या पर नहीं हुआ, ये व्हाइट कलर के छूटा हुआ है। अब दो तीन चार दिन पहले ये हुआ था। या पर एक है, या पर छोटा सा है, साइज बहुत ही छोटा हो गया दोस्तों। ये मैं तो बोल रहा था हमारा इस जगह पे अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए बहुत मेहनत के बाद ये जो पौधा है वो लगाया हूँ और इसको ज़िंदा रख पाया हूँ। तो इसीलिए साइज ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा छोटा ही ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर तीन चार जो पौधा है उसमें बहुत स्ट्रॉबेरी है, लेकिन ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा। इसका जो पत्ता है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए जो सामने आऊँगा देख सकते हो, ये पहले नहीं दिखा था तो इसीलिए ये ख़राब हो गया है। जो स्ट्रॉबेरी है देख सकते हो ये ख़राब हो गया, इसको रख देते हो फिर भी नहीं मिलता है। या फिर ये भी ये नहीं पका, इधर एक है लेकिन ये पकने में और बहुत देर है। इस पेड़ से एक छोटा सा मिला और अंदर है बहुत सारा है, लेकिन फ्लावर्स भी है, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है वो अभी तक हुआ नहीं। इस साइड में है और यहाँ पर देख सकते हो ये जो पेड़ है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी है, देख सकते हो दोस्तों। कुछ पका है, कुछ नहीं पका है, थोड़ा एक दो तीन पका है और ज़्यादा नहीं पका। अब उठा लेते हैं जो पक चुका है। और दोस्तों मैं तो बोला था अगर जो स्ट्रॉबेरी है वो पक चुका है उसके बाद नहीं पेड़ से नहीं उठाया तो कुछ इस प्रकार से ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए एक दो दिन के बाद जो स्ट्रॉबेरी है वो उसको उठाना पड़ता है। देखो ये कुछ इस प्रकार से ख़राब हो जाता है स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पर इस पौधा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी है दोस्तों। बहुत मेहनत के बाद देख सकते हो पूरा हमारा जो डब्बा था वो पूरा भर चुका है दोस्तों, बिल्कुल इतना सा। इसका जो प्राइस है, इसका जो वेट है लगभग 300 ग्राम होगा, तो इसका प्राइस होगा 300 या 400 रुपया होगा इसका प्राइस। तो दोस्तों हमारा बहुत मेहनत के बाद इतना ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पौधा लगा पाया हूँ या अभी तक जिंदा रख पाया हूँ। तो इसका जो मेन जो पौधा था वो आउट था, वो जो पहले लगाया था वो है ये होगा या शायद ये होगा, ये दोनों में से एक होगा, पता नहीं है, बहुत एक साल का बात है। तो इसीलिए कोई भी छोड़ो। तो दोस्तों अगर हमारे इस स्ट्रॉबेरी वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो दोस्तों मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट एंड मजेदार एक्सपीरियंस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।